दो महिला और एक पुरुष द्वारा एक कैब ड्राइवर को चाकू की नोक पर डरा धमकाकर उसके साथ मारपीट कर उसे लूटने का मामला अजनी पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस संदर्भ में पुलिस उप निरीक्षक आशीष ठाकुर ने अधिक जानकारी साझा की। मिली जानकारी के अनुसार 26 वर्षीय आरोपी वैभव उर्फ आरवी राठौर SNPL रेसिडेंसी सोमलवाड़ा, ये अपनी माँ रंजना ओम प्रकाश राठौर उम्र 43 और उसकी पत्नी तेजल वैभव राठौर उम्र 24, ये तीनों भी बहन लीना भावेश हांडे के घर उससे मिलकर रात को मटन और शराब पार्टी कर घर जा रहे थे। करीब 11 बजे आरोपी ने ओला कैब बुक की और अपनी माँ और पत्नी के साथ घर जाने के लिए निकले। इस वक्त ओला कैब चालक करण केशव राव पुनकर ये गूगल मैप के अनुरूप रास्ते से जा रहे थे। हालांकि आरोपी वैभव ने कैब ड्राइवर को शॉर्टकट से जाने के लिए कहा। इस बात को लेकर वैभव और करण के बीच विवाद हुआ। हालांकि इसी बीच आरोपी की पत्नी और मां ने कैब ड्राइवर पर हमला किया और बाजू की सीट में बैठे आरोपी वैभव ने चाकू का डर दिखाकर ड्राइवर को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया और उसके पास से 2000 रुपए लूट लिए। आरोपी ने कैब ड्राइवर को वैशाली नगर झुग्गी झोपड़ी मनीष नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास ले जाकर छोड़ दिया। इस संदर्भ में पुलिस उप निरीक्षक आशीष ठाकुर ने अधिक जानकारी साझा की। आईचित मंदिरहून ओला कैब बुक केली होती आरोपीची बहीण लीना म्हणून तिनं, आणि त्यानुसार त्याने आईचित मंदिर ते क्रीडा चौक तुकडोजी पुतला मानेवाडा आणि शताब्दी चौक या मार्गाने तो गंतव्याकडे निघाला होता आणि तिथं शताब्दी चौकाकडे आरोपी त्यांनी ओला कॅब थांबवून त्याची मारहाण करून आणि काही चाकू दाखवून आणि काही रक्कम हिसकवली होती। त्यानंतर पुढे पुन्हा त्याला हे करून आणि गंतव्याकडे निघाले, त्या ठिकाणी ओला कॅबने त्यांना सोडून दिले आणि तिथून मग तो पळून गेला ओला कॅब ड्रायव्हर। त्यानुसार गुन्हा नोंद झाला आणि तपासामध्ये आम्ही आपल्या ओला कंपनीकडून या माहिती घेतली की कोण ओला बुक केली होती। त्यानुसार आम्हाला आरोपीची बहिणीची माहिती भेटली। आरोपी बहिणीनं त्यानंतर सांगितले की कोण कोण या कॅबमध्ये होते, मग त्यानुसार आम्ही आरोपी त्यांना पुढे तपासात अटक केलेली आहे। एकूण किती आरोपी आहे आणि अटक आरोपींचे या आरोपीचे काही रेकॉर्ड सुद्धा आहे का सांगते? एकूण 2 महिला आरोपी आणि 1 पुरुष आरोपी आहे। इस संदर्भ में अजनी पुलिस थाना अंतर्गत शिकायत दर्ज की गई, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी, आरोपी की माँ और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।